हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, तो बता चुके हैं जी टी फाइव की कॉर्नर वीडियो के साथ अपने इंडियन एस यूवीज वर्सेस सुपर एस यूवी की एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। और यहाँ पे आप लोग पीछे देख पा रहे हो भाई, हमने खड़े किए भाई दो ट्रक जिनके ऊपर हमने भारी भारी लकड़ियाँ रख दी है। और यहाँ पर इनका वेट भाई वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भाई एक तो ट्रक इतना भारी, ऊपर से लकड़ियाँ इसके ऊपर रखी थी भाई, और ज़्यादा भारी हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग करने क्या पा रहे हैं वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हमें पहली गाड़ी लेने भाई ये है अपनी ऑडी Q7 RS, यानी कि अपनी स्पोर्ट्स कार है ये भी, एक क्योंकि RS लगा आगे। तो भाई देखते हैं यहाँ पे जो अपनी ऑडी Q7 है यहाँ पे भाई क्या अपने ट्रक को खींच पाती है कि नहीं। तो ऑलराइट, यहाँ पे अपनी ऑडी एकदम रेडी है, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, भाई लगाते हैं जान। ओ भाई, तो कैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि अपनी ऑडी जो है भाई पूरी जान लगा रहे हो, पीछे से कैसे दब गई है। एक बार और ट्राई करते हैं, फुल थॉटल लेते हैं इस बार, फुल थॉटल। और भाई साहब, यहाँ पे जो है अपनी ऑडी पूरी पावर लगा रही, लेकिन यार इस भारी भरकम ट्रक को हिला नहीं पा रही। उसकी एक वजह ये भी है कि भाई नीचे काफ़ी सारी रेत है, जिस पर अपनी गाड़ी का टायर जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से स्किड मार रहा था, ये भी एक चैलेंज होने वाला है यहाँ पे। और एक बार और ट्राई करेंगे, ओके। और भाई ट्रक अपनी खिसक तो रही है भाई, लेकिन वैसी नहीं खिसक रही भाई जैसे उन्होंने चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं भाई ट्रक जो है सीधे चलती हुई भाई यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाई। तो फिलहाल जो अपनी ऑडी है गाइस, ये यहाँ पे हो जाती है फेल। और अब कारी आती है यहाँ पे अपनी बुलेरो की, तो जल्दी से बुलेरो में बैठते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे बुलेरो का क्या सीन रहने वाला है। तो ऑल राइट, बैठ चुके हैं बुलेरो के अंदर। तो ये हो गया अपनी बुलेरो स्टार्ट। और भाई साहब, बुलेरो से तो भाई ट्रक अपना हिला भी नहीं। एक बार और ट्राई करते हैं। ओहो, तो भाई यहाँ पे अपनी बुलेरो भी पूरी जान लगा रही है। और भाई ये देखो, जो अपनी बुलेरो गाइस पूरी पूरी स्किड मार रही है, यानी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह एडवांस सिस्टम तो है नहीं। तो भाई इसकी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है चैलेंज। ओ भाई, तो गाइस यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो भाई अपनी ऑडी थी वो ज़्यादा बड़ी तरीके से पुल कर रही थी, और वैसे भी यार वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन भाई बुलेरो भी कम नहीं यार, ये भी अपने ट्रक को हिला रही है, लेकिन खींच तो यार दोनों ही गाड़ी नहीं पाई थी। तो फिर अपनी दोनों गाड़ियों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, गाइस लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ियों को। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी दो पीली गाड़ियों की। भाई एक तरफ है अपनी टाटा हैरियर, और गाइस एक तरफ है अपनी पावरफुल लैम्बोर्गिनी उरुस। और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या अपनी टाटा हैरियर खींच पाती है। पहले बार लेने वाले इस बार अपनी इंडियन कार, तो जल्दी से बैठते अपनी हैरियर के अंदर और देखते हैं क्या सीन है अपनी हैरियर का। तो ऑल राइट, यहाँ पे गाइस अपनी हैरियर गाइस ये हो चुकी है स्टार्ट, भाई लगाते अपनी हैरियर से जान। ओ भाई साहब, तो गाइस यहाँ पे अपनी हैरियर गाइस देखते भाई कैसे मतलब उछल रही है भाई, और मिल रहा है गाइस मेरी हैरियर यहाँ पे खींच सकती है शायद से। भाई थोड़ा सा पावर लेते हैं और यहाँ पे भाई, तो गाइस अपनी हैरियर काफ़ी स्लो खींच रही है, क्या बात है यार। तो भाई मुझे लग रहा है गाइस अपनी हैरियर अपने फिनिश पॉइंट तो पहुँच जाएगी भाई, बहुत ही धीमे धीमे खींच रही है भाई, आप लोग देख पा रहे हो कि क्या बात है। गाइस अपनी हैरियर में यार पावर जो है भाई वो अच्छी खासी है, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा स्लो खींच रही है। अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, फिनिश पॉइंट के पास पहुँच चुका है और भाई गाड़ी में क्या होना शुरू हो चुका है। ओ भाई थोड़ा सा और थोड़ा और, तो भाई फाइनली जो अपनी हैरियर भाई ये अपनी फिनिश लाइन पे तो पहुंच चुके। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई, आप तो देख पा रहे हो गाड़ी कैसे झटके मार रही थी। तो फिर अपनी हैरियर ने खींच तो लिया, लेकिन उसको खींचने में उसकी जान निकल चुकी है पूरी की पूरी। तो भाई अब बैठते हैं यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस में और देखते हैं गाइस जो अपनी उरुस है यहाँ पर कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो ऑल राइट, ये चली गई अपनी उरुस यहाँ पर। ओहो क्या बात है, तो गैस यहाँ पे जो गैस अपनी लैम्बोर्गिनी भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से खींच रही यार, जो पावर भाई मैंने स्टेयरिंग पूरी इधर को मोड़ रखी है, लेकिन यार जो गाड़ी अपनी भाई इसी साइड जा रही है, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन भाई जो गैस पावर अपनी लैम्बोर्गिनी यार वो तो आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़बरदस्त है। और भाई कितने आराम से गैस में इस भारी भरकम ट्रक को ये खींच रही है यार, मतलब ज़बरदस्त पावर है इसमें तो। तो फिलहाल मैं इसको भाई साइड में लगाता हूँ और भाई लेके चलता हूँ ट्रक को वापस अपनी लोकेशन पे। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी दो सफेद गाड़ियों की। भाई एक तरफ अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जिसको आप लोग जानते हो भाई बाहुबली के नाम से, भाई एक तरफ खड़ा है भाई यहाँ अपना बाहुबली का भी बाप, यहाँ पे है भाई अपनी हमर, यानी कि भाई छः टायर वाली गाड़ी, और जो पावर यार इसमें हो तो आप लोगों को पता ही होगी। तो फिलहाल जल्दी से बैठते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाइस यहाँ पे अपनी जो भाई, पहले तो भाई लेजेंडर बैठे हैं और देखते हैं गाइस लेजेंडर यहाँ पे क्या अपनी ट्रक को खींच पाती है कि नहीं। तो लाइट बैठ चुके हैं लेजेंडर के अंदर, भाई माइकल हमेशा तरह गेट बंद करना भूल ही जाते हैं। तो फिलहाल भाई पावर लगाते हैं और भाई यहाँ पे अपनी लेजेंडर जो भाई बिना स्किट मारे भाई खींच रही यार अपने ट्रक को, और भाई उछल भी नहीं रही है गैस जैसे अपनी हैरियर उछल रही थी। और मुझे लग रहा है गैस फिनिश पॉइंट पे तो भाई ऐसे पहुंच गई जैसे कुछ था नहीं, भाई तीन की स्पीड से जो गैस अपनी गाड़ी यहाँ पे चल रही, भाई थोड़ी बहुत डिसबैलेंस होनी शुरू हो चुकी है ये भी। तो फिलहाल गैस यहाँ पर अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर भाई ये तो हो चुकी है पास, और अब बैठते हैं गैस यहाँ पे अपनी खली में, और इसका नाम है भाई हमर। तो बैठते हैं गैस जल्दी गाड़ी में और देखते हैं गैस यहाँ पे अपनी हमर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ऑल राइट भाई, हमर में बैठ चुके हैं हम लोग और भाई स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी को और देखते हैं गैस। ओ भाई पावर देखो यार, जो अपनी हमर है भाई क्या ही पावर है भाई, धूल उड़ाती हुई गैस अपने ट्रक को खींच रही यार, मतलब जो पावर भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है यार इसमें तो।
यार मजा ही आ गया। मतलब जो हमारे भाई ये टोचन के मामले हैं भाई, किसी को भी नहीं छोड़ती भाई, कुछ भी ले आओ भाई सब खींच के रख देती है भाई। तो गाइस यहाँ पर अपनी हमर भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से जो अपने चैलेंज में पास हो चुका है भाई। देख तो भाई कितनी जल्दी हम लोग कितनी दूर तक अपने ट्रक को खींच के ले आए हैं। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी दो काली गाड़ियों की भाई, एक है अपनी बीस्ट कार फोर्ड एंडेवर और भाई एक है भाई अपनी जी वैगन। और गाइस इस बार मैं पहले बैठने वाला हूँ जी वैगन में, और देखते हैं अपनी जी वैगन है क्या अपने इस भारी भरकम ट्रक को खींच पाती है कि नहीं। तो ऑल लाइट हम लोग बैठ चुके हैं जी वैगन के अंदर और देखते हैं गाइस कितनी पावर अपनी जी वैगन में, हेडलाइट्स हो चुकी हैं ऑन और गाइस देखते हैं अब तमाशा। अरे भाई क्या पावर है गाइस, यहाँ पे अपनी जी वैगन भाई 13 की स्पीड से खींच रही है, 14 हो गई क्या बात है भाई। गाड़ी लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, यहाँ पे थोड़ी सी अलाइनमेंट की दिक्कत आ रही है गाड़ी की। ओ भाई रस्सी टेढ़ी बांधी तभी तो गाइस गाड़ी टेढ़ी जा रही है। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे जो अपनी जी वैगन भाई इसने काफ़ी ईजिली यार अपने ट्रक को भाई खींच दिया है। फिलहाल भाई अपनी जी वैगन हो चुकी है पास, मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ और जल्दी से चलते हैं भाई अपने एंडेवर की तरफ। और देखते हैं गाइस अपनी 20 गाड़ी है यहाँ पे यार कैसा परफॉर्म करते हो। मैं पहले इसकी रस्सी चेक करूँगा, ये रस्सी मैंने टेढ़ी ना बांध दी हो वरना फिर से गाड़ी टेढ़ी खींचेगी यहाँ पे। रस्सी है एकदम सेंटर में और भाई अब खींचते हैं भाई अपनी एंडेवर से अपने ट्रक को और देखते हैं क्या होने वाला है भाई, कहीं ये स्किट ना हमारे पास, मुझे इसी बात का डर है। तो फिलहाल एंडेवर बैठ चुका और देखते हैं अब क्या होता है। तो ऑल राइट भाई यहाँ पे अपने एंडेवर लगातार स्किट मारी। ओ हो भाई आवाज़ सुनो गाड़ी की यार, आवाज़ सुनो क्या ही ज़बरदस्त आवाज़ है। और गैस यहाँ पर अपने एंडेवर भाई एकदम लगातार खींच रही भाई, और मैं स्टेयरिंग मोड़ रहा हूँ भाई राइट में, लेकिन गाड़ी भाई अपनी सीधे की सीधे जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे अपने एंडेवर भी हो चुकी है पास और भाई 5 की स्पीड से खींच रही है यार, मतलब कि अपनी जो लेजेंडरी वो 3 की स्पीड से खींच रही है, ये 5 की स्पीड से खींच रही है और 4 हो गई स्पीड। तो फिलहाल यहाँ पे अपनी एंडेवर और गैस अपनी जी वैगन दोनों ही यार पास हो चुकी है अपने चैलेंज में। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी दो लाल गाड़ियों की भाई, एक तरफ है अपनी थार जिसमें भाई खतरनाक वाला इंजन, और दूसरी गाड़ी भाई अपनी इलेक्ट्रिक कार यानी कि अपनी फोर्ड मस्टैंग मैच ही यार, ये अपनी बैटरी वाली भाई, इसमें तो भाई लगा ही हुआ है खतरनाक वाला इंजन। बस जल्दी से बैठते हैं भाई, पहले बैठता हूँ यार पहले किस में बैठूँ, पहले बैठते हैं गैस अपनी इस वाली गाड़ी में जो कि भाई अपनी इलेक्ट्रिक कार, और देखते हैं गैस क्या अपनी इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे खींच पाती है कि नहीं। वैसे फोर्ड मस्टैंग भाई पावर ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो फिलहाल खींचते हैं इसको जल्दी से। और गैस यहाँ पे अपनी फोर्ड मस्टैंग भाई इलेक्ट्रिक होने के बावजूद एकदम साइलेंटली बिना किसी आवाज़ के खींच रहे भाई, इसके टायर्स भाई स्किट नहीं मार रहे, नहीं नहीं आगे वाले स्किट मार रहे पीछे वाले नहीं मार रहे। तो फिलहाल यहाँ पे देख तो भाई जो मस्टैंग की पावर भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिलहाल अपनी ये वाली गाड़ी पास हो चुकी है भाई, मैं जल्दी से बैठता हूँ अभी थार के अंदर भाई, देखते भाई जो थार का इंजन है उसमें कितनी जान है यहाँ पे भाई। माइकल को जल्दी से दौड़ाते हैं भाई, गैस माइकल बैठ चुके अभी थार के अंदर और देखते भाई यहाँ पे थार का क्या सीन रहने वाला है। और ये चलिए गैस भी थार और भाई थार भी स्किट मार रहे हो भाई, एक की स्पीड से चल रही है, मुझे लगा था कि अपनी थार और स्पीड से खींचेगी लेकिन भाई यहाँ पे अभी दो की स्पीड होगी। चलो भाई स्पीड बढ़ रही है इसकी, स्पीड बढ़ रही गैस 2 की स्पीड हो चुकी है अपनी थार की, लेकिन भाई उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं जितनी मैंने एक्सपेक्ट करा था अपनी थार से। फिलहाल कोई बात नहीं यार, यार फिनिश पॉइंट तो एटलीस्ट पहुंच चुकी है अपनी थार। तो भाई यहाँ पे गैस अपनी थार यार ये हो चुकी है अपने चैलेंज में गैस पास, और भाई बहुत ही ज़्यादा धीमी खींच रही यार, बहुत ही ज़्यादा खींच रही है, लेकिन अपनी हैरियर से थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड है इसकी। तो फिलहाल गैस अपनी थार को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो S11 और गैस अपनी मर्सिडीज GL63 की। तो गैस दोनों को चेक करते हैं और भाई देखते हैं यहाँ पे कौन सी गाड़ी खींच पाते भाई। सबसे पहले बैठने वाला अपनी मर्सिडीज के अंदर और देखते हैं गैस जो अपनी GL63 है यहाँ पे भाई कितनी पावर है इसमें। और भाई गेट गन करना भूल गए लेकिन भाई यहाँ पे गैस जो अपनी मर्सिडीज है क्या बात है भाई, 6 की स्पीड 7 हो गई भाई, 7 हो चुकी है यहाँ पे अपनी मर्सिडीज की स्पीड भाई, लगातार टायर स्किट कर रहे हैं आगे वाले, लेकिन गैस जो गाड़ी भाई अपनी लगातार खींचती जा रही है। और देख तो भाई मैंने स्टेयरिंग मोड़ दिया लेकिन गाड़ी अपनी ये भी सीधी जा रही है, फिलहाल भाई रेत में खींच रही है जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो भाई यहाँ पर अपनी मर्सिडीज GL63 हो चुकी है अपने चैलेंज में पास। अब बारी आती है अपनी देसी गाड़ी अपनी स्कॉर्पियो S11 की। तो भाई जल्दी से बैठते हैं अपनी स्कॉर्पियो में और देखते हैं क्या सीन रहने वाला अपनी स्कॉर्पियो का। तो भाई जल्दी बैठे माइकल क्या कर रहा है, और यहाँ भाई अपनी बैठ चुके हैं अपने स्कॉर्पियो में और गेट बंद करना भूल चुके हैं भाई माइकल हमेशा की तरह। तो खींचते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो को। ओहो गाइस यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो बिल्कुल नहीं खींच पा रही यार, यार मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ लेकिन भाई जब अपनी स्कॉर्पियो है यार बिल्कुल ओ खींच रही गैस। तो गैस यहाँ पे देखिए अपनी स्कॉर्पियो भाई झटके लेने शुरू कर दिए भाई, झटके लेने शुरू कर दिए, गाड़ी ने लगातार झटके ले रही है और मुझे लगा था यार अपनी स्कॉर्पियो है वो खींच ले जाएगी। ओहो खींचा क्या बात है गैस, बहुत ही स्लो खींच रहा हूँ, बिल्कुल भी एक्सीलेटर छोड़ के भाई नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई अगर मैंने एक्सीलेटर छोड़ा तो मुझे लग रहा है गैस अपनी गाड़ी यहाँ पर रुक सकती है। इसके टायर देख सकते पीछे वाले टायर को थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है, मुझे लग रहा है गाइस ऐसे करते करते चीटी की चाल की तरह भाई फिनिश पॉइंट पहुंच जाएगी, शायद से पहुंच जाएगी। चल स्कॉर्पियो भाई कमॉन गाइस कर सकती है। और भाई इसका इंजन गाइस कैसे उछल रहा है भाई आगे से, आप लोग देख पा रहे होगे भाई गाड़ी पूरी तरह से उछल रही है। ओहो हो
मुझे लग रहा है भाई अगर मैंने यहाँ पे यार छोड़ दिया एक्सीलेटर तो भाई नहीं यार, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। मन तो है भाई झटका लेने का, लेकिन मैं झटका लूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने झटका लिया और वहाँ पे अगर मोमेंटम टूट गया तो भाई इतनी स्कॉर्पियो फेल हो जाएगी भाई, पूरी गाड़ी कांप रही है बुरी तरीके से भाई। इंजन तो पक्का इसका ओवरहीट होने वाला है, इंजन पक्का ओवरहीट हो जाएगा इसका, और फिनिश पॉइंट के काफ़ी ज़्यादा करीब, काफ़ी ज़्यादा करीब भाई। अपनी स्कॉर्पियो पूरी जान लगा रही है यहाँ पे यार, इज्जत बचा रही है अपनी जैसे तैसे, और भाई फिनिश पॉइंट पे टच कर चुकी है अपनी स्कॉर्पियो। क्या बात है यार, क्या बात है भाई, फिनिश पॉइंट पहुँच चुका है, टायरों से धुआं भी निकलना शुरू हो चुका है इसके। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे जैसे तैसे आ जाओ अपनी स्कॉर्पियो भाई, ये पहुँच गई है अपने फिनिश पॉइंट पे, और भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया इसको पहुँचने में। तो भाई इन दोनों गाड़ियों को यहाँ से हटाता हूँ भाई, लेते हैं भाई अपनी बची हुई गाड़ियों को। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपने रेंज रोवर की और अपनी महिंद्रा की XUV 500 की, और इस दौरान पहले बैठने वाला हूँ गाइस अपनी XUV 500 में। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या सीन रहता है अपनी XUV का, और माइकल भाई क्या कर रहा है भाई, गेट से क्यों रगड़ रहा है, मतलब गेट ढूंढने में इतना टाइम कैसे लग सकता है यार बंदे को। तो भाई इस बार खींचते अपनी, ओ भाई ओ। तो गैस यहाँ पर अपने XUV 700 भाई बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही यार भाई, गाड़ी आगे खिसक ही नहीं रही भाई, मैंने फुल थ्रॉटल दे रखा है, थोड़ा सा पीछे लेते हैं, और भाई नहीं गैस यहाँ पे गैस जो अपनी XUV है यार ये नहीं हिला पा रही भाई, बिल्कुल नहीं हिला पा रही है। ओहो नहीं यार, अपनी XUV से ये चीज़ नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। तो भाई फिलहाल मैं अपनी XUV को छोड़ता हूँ भाई, अब बैठते हैं गैस अपनी रेंज रोवर के अंदर। मुझे पूरा भरोसा गैस अपनी रेंज रोवर यहाँ पर ज़रूर से खींचने वाली है, तो ऑल राइट बैच के अपनी रेंज रोवर में, और देखते ओ भाई यार ये कैसे, मुझे लगा था अपनी रेंज रोवर खींच ले जाएगी, लेकिन भाई तीत इसका टायर कैसे रुक रुक के फिसल रहा है, अब लगातार फिसल रहा है। ओ भाई साहब ज़्यादा तेज़ी बैक गियर लगा दिया, और नहीं भाई यहाँ पे जो अपनी रेंज रोवर है भाई ये नहीं खींच पा रही है। ओह भाई झटका तो काफ़ी ज़बरदस्त दे रही है, लेकिन भाई नहीं खींच पा रही, मुझे लगा था अपनी यारी गाड़ी खींच ले जाएगी, बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही यार, नहीं अपनी रेंज रोवर से भी नहीं होने वाला। तो फिलहाल अपनी दोनों ही गाड़ियाँ ये वाली नहीं खींच पाई हैं। तो इसी के साथ जो हमारा आज का ये वाला चैनल भाई ये यहाँ पे खत्म होता है भाई, उम्मीद है भाई आप लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी, पसंद भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।